गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायसिंग, कलेक्टर टू बेस बायस और फिक्स्ड बायस पढ़ा। दोनों में से कौन ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा था? दोनों सर्किट में कौन बेटर परफॉर्मेंस दे रहा था? एंड ये कैसे हम डिसाइड करते थे कि ये वाला सर्किट बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है? क्या फैक्टर्स देखते थे? कौन सा बेटर है, क्या फैक्टर देखते थे? हाँ बेटा, करेक्टर टू बेस बायसिंग और फिक्स बायसिंग में दोनों में से कौन सा सर्किट बेटर था? स्टेबिलिटी फैक्टर क्या था? दोनों सर्किट्स में किसका स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा था, किसका स्टेबिलिटी फैक्टर कम था? सब फिक्स बायस का ज्यादा था और कलेक्टर टू बेस का कम। तो रिक्वायर्ड हमारे लिए क्या होता है, मतलब आईसी कलेक्टर करंट हमारे लिए स्टेबल रहे उसके लिए हमारे लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर का ज्यादा होना या स्टेबिलिटी फैक्टर का कम होना? सर मिनिमम होना। ठीक है, तो लास्ट जो हमें बायसिंग पढ़नी है वो तुम्हारी है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग या सेल्फ बायस बायसिंग। उस पर जाने से पहले जो तुम्हारा कलेक्टर टू बेस बायस था उसका हमने स्टेबिलिटी फैक्टर ये फाइंड आउट किया था, 1 plus beta upon 1 plus beta RC upon RC plus RB। ठीक, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो बेसिकली तुम्हारा आरसी पे डिपेंडेंट था, मीनिंग लोड रेजिस्टेंस जो यहाँ पे हमने लगाया हुआ था, ये इस लोड रेजिस्टेंस पे स्टेबिलिटी फैक्टर डिपेंडेंट हो रहा था।
जो कि इन जनरल हम चाहते हैं कि हमारा लोड जो रेजिस्टेंस है जिससे हम आउटपुट ले रहे हैं, जिस रेजिस्टेंस से जिससे हमें आउटपुट लेना है, उस रेजिस्टेंस से हमारा कुछ भी हम मतलब जो हमारी बेसिक चीजें हैं वो डिपेंडेंट ना हो, जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो करेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रही हैं तुम्हारे सर्किट की, वो बेसिकली डिपेंडेंट ना हो। ये इन जनरल हम सारे सर्किट्स के लिए हम ये चाहते हैं, कोई भी सर्किट हो उसमें हम लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंसी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है कि देखो जब आउटपुट लेना है तो आउटपुट लेने के टाइम पे हमें डिसाइड करना होता है कि लोड रेजिस्टेंस को किस हिसाब से वेरी करके कितना रखना है। मे बी हो सकता है कुछ सर्किट्स में हमें लोड रेजिस्टेंस स्मॉलर रखना पड़े, ठीक है, कुछ सर्किट में हमें लोड रेजिस्टेंस हायर रखना पड़े। एक वहां पे डिपेंडेंसी ये होती है कि हाँ आउटपुट उस रेजिस्टेंस से लेना है। दूसरा मे बी हो सकता है उसी सर्किट को तुम्हें कहीं पे कनेक्ट करना हो, मीनिंग उस सर्किट के से फर्दर उस सर्किट से कोई दूसरा सर्किट कनेक्टेड हो रहा हो, तो हो सकता है वहां पे भी तुम्हें लोड रेजिस्टेंस को कुछ वेरी करना पड़े ताकि प्रॉपर मैचिंग हो सके, कोई मिसमैच ना आए। तो इस वजह से हम लोड रेजिस्टेंस पे ये पैरामीटर्स को जो पैरामीटर्स की कैरेक्टरिस्टिक को किसी सर्किट की डिफाइन कर रहे होते हैं, उन पैरामीटर्स को हम नहीं चाहते कि वो लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये एक बेसिकली मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम थी इस कैरेक्टर टू बेस सर्किट के लिए, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो ये रेजिस्टेंस हमने लगाया था आरबी, इस रेजिस्टेंस ने, क्योंकि जब हम कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो एक कैपेसिटर लगा के यहां से इनपुट देंगे वीआई और इधर एक कैपेसिटर लगा के यहां से आउटपुट ले रहे होंगे, तो हो क्या रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली ये रेजिस्टेंस इनपुट और आउटपुट के बीच में एक फीडबैक बना रहा है। बेसिकली हम इनपुट यहां से ना दे रहे होंगे, हम इनपुट दे रहे होंगे इस टर्मिनल से, बेस टर्मिनल से हमें इनपुट देना होता, तो यहां कहीं से हम इनपुट दे रहे होंगे। कुछ इस तरीके से हमारा इनपुट है बी आई जो हम एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं, तो यहां से हम इनपुट दे रहे हैं और ये आउटपुट दे रहे हैं। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये क्या कर रहा है, इनपुट और आउटपुट के बीच में नेगेटिव फीडबैक बना रहा है। शायद अभी फीडबैक के बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या बना रहा है, नेगेटिव फीडबैक बना रहा है, ठीक है। फीडबैक का टर्म जब तुम ऑसिलेटर पढ़ोगे, जब तुम ऑप एम्प एम्पलीफायर पढ़ोगे या जब तुम कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे, वहां पे तुमको बेसिकली फीडबैक क्या होता है ये समझ में आएगा। फीडबैक कुछ इस तरह से समझ लो कि जैसे तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ है, तुमने टेम्परेचर सेट कर दिया कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहना चाहिए मेरे रूम का, ठीक। तो तुम्हारा जो एसी है वो पर्टिकुलर हर टाइम टू टाइम तुम्हारे रूम का टेम्परेचर सेंस करता रहता है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसने कंप्रेसर को ऑन करके थोड़ा रूम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है, मीनिंग टेम्परेचर में वो अपने आप वेरिएशन करता रहता है, कैसे, तुम्हारे रूम टेम्परेचर को खुद से चेक करते हुए। और जो तुमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज या जो तुमने एक डिसीजन दिया है उसको कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रखना, उस पे अपने आप सेट करके रखता है। तो मीनिंग फीडबैक वो है कि हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम का आउटपुट भी टाइम टू टाइम हम चेक करते रह रहे हैं, उस काम का हम आउटपुट भी चेक कर रहे हैं कि हाँ जो डिजायर्ड आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये फीडबैक तुम्हारे नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जब तुम नेगेटिव फीडबैक देते हो इन जनरल, ठीक है, कैसे ये बाद में समझना, जब तुम नेगेटिव फीडबैक देते हो तो गेन जो होता है सर्किट का वो डिक्रीज कर जाता है। सर्किट का गेन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है ये फीडबैक की तरह काम कर रहा है, ठीक। ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, आउटपुट, जो आउटपुट वैल्यू आ रही है उसको यहाँ इनपुट टर्मिनल तक पहुंचा रहा है, मतलब आउटपुट और इनपुट के बीच में ये फीडबैक का काम कर रहा है, ठीक। फीडबैक का मतलब क्या है, एक ऐसा कनेक्शन जो तुम्हारे आउटपुट
का जो रिजल्ट आ रहा है उसको इनपुट तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है, तभी हम जो है ये हर बार चेक कर पाएंगे कि हाँ डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस बेसिकली क्या कर रहा है, जो तुम्हारा गेन है इस एम्पलीफायर का, उस गेन को डिक्रीज कर रहा है, और जो हमारे लिए डिजायर्ड नहीं है, ठीक। तो कलेक्टर टू बेस बायस में दो ड्रॉबैक थे, फर्स्ट इज स्टेबिलिटी फैक्टर एस जो था डिपेंड्स ऑन आरसी, एंड सेकेंड क्या था, रेजिस्टेंस आरबी जो था क्रिएट कर रहा था एक नेगेटिव फीड पे, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ड्यू टू विच वोल्टेज गेन V not on VI decreases. पहला डिसएडवांटेज क्या था कि जो तुम्हारा स्टेबिलिटी फैक्टर था वो डिपेंड कर रहा है RC के ऊपर, ठीक। और अगर स्टेबिलिटी फैक्टर दूसरा पॉइंट क्या था कि जो तुम्हारा RB है बेस साइड पे, बेस रेजिस्टेंस जो हमने लगा रखा है वो नेगेटिव फीडबैक क्रिएट कर रहा है। एडवांटेज क्या है,